हेलो गाइस, किवें जी तुसी सारे। और चलो जी, ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए सी अपने पिछले टेस्ट दे विच, और डिस्कस कर लिए। तो क्वेश्चन इज नंबर 11 इज विच पर्सन इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। ठीक है ना, गांधी जी ने इनवाइट करने वाले, ऐसे स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ठीक है ना, गांधी जी ने इनवाइट करने वाले कौन पर्सनैलिटी रही है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह थोनों सबनों पता है, नील सत्याग्रह है जी, नील मूवमेंट। तो गांधी जी ने जो है इनवाइट करने वाले पर्सनैलिटी का नाम है, डेट इज राम कुमार शुक्ला। राइट, राम कुमार शुक्ला जी है, वो नील की खेती वाला कॉन्सेप्ट है जो अपना। अगला क्वेश्चन है जी, हु वाज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द अप्रैल 13 के टाइम जो जलिया वाले बाग का कांड होया है। दसो कि उस टाइम दे विच पंजाब दा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहा। ये वही बंदा जिन्हों उधम सिंह जाके मार के आएगा जी, उस बंदे का नाम है माइकल ओ ड्वायर। जिहड़ा माइकल डायर था जी, ये अपनी अपनी नैचुरल डेथ मरिया है, याद रखना 1927 दे विच। तो माइकल ओ ड्वायर वो बंदा है जिन्हों उधम सिंह जाके मार के आऊगा, वो ड्यूरिंग दैट टाइम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब रहे हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जी, द ट्रिपल बी फॉर्मूला स्टैंड फॉर। ट्रिपल बी फॉर्मूला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दल के नेता रहे हैं उन्हों का फॉर्मूला है। तो नरम दल च कौन है जी, गोपाल कृष्ण गोखले है ना जी, वो नरम दल दे हैं सारे। और नरम दल के नेतावान का यह एक फॉर्मूला रहा ट्रिपल बी। ट्रिपल बी का मतलब क्या रहा जी, कि प्रेयर करनी है, प्रोटेस्ट करना और पटीशन दायर करनी है जी, यह रहा जी इन्हों फॉर्मूला। तो थोड़े को ऑप्शन नंबर ए ही बन जाता है जी, कि प्रेयर करनी है, प्रोटेस्ट करनी है और पटीशन नाल लड़ना है अंग्रेजों। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर मुस्लिम लीग फाउंडेड बाय आगा खान। आगा खान ने मुस्लिम लीग कदों फाउंड किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1916 मुस्लिम लीग जो है फाउंड हुई है। लफ्जा की दरगाह बुक रिटन बाय, लफ्जा की दरगाह सुरजीत पात्र की किताब है, ठीक है ना, काव्य संग्रह है जी सुरजीत पात्र साहब का। तो डॉक्टर सुरजीत पात्र है जी, ये इन्होंने पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है, क्वेश्चन अक्सर ही आ जाता है जी थानू। अगला क्वेश्चन है, द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर ब्यास, ब्यास का पुराना नाम क्या है जी, ठीक है ना, विपास है जी। और किते थानू विपास की जगह विपसनी भी मिलता है जी, ठीक है, तो दैट इज विपसनी। और रिवर ब्यास का नाम है जी ये। अगे चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हू वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट जो आगरा च फाउंड हुई है जी, ये फाउंडर रहे हैं शिव दयाल सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है जी, विच सिख गुरु वाज बॉर्न एंड डाइड एट सेम प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी विच स्टेटमेंट क्वेश्चन रहा है, दैट इज गुरु हर राय, ठीक है। तो गुरु हर राय जी हैं वो जिस प्लेस विच पैदा हुए, सेम प्लेस जो डाइड भी हुए। उस तो बाद आ गई थोड़े पंजाबी साहित्य अकैडमी सिचुएटेड है, पंजाबी साहित्य अकैडमी जो पुरस्कार दिंदी है जी अपनी कवितावां नूं रचनावां नूं, वो कित्थे है जी, दिल्ली च है जी वो, ठीक है। वो इज नोन एज कोयल ऑफ पंजाब, पंजाब की कोयल किनू कहा जाता, सुरिंदर कौर है जी, ठीक है ना, किन्नी सुंदर गायक रही है, तुसीं इहदे अक्सर ही गाने सुनते हैं। इन्हें अखियां च पावा किवें कजल आवे, अखियां च तू दिसदा, सुरिंदर कौर दे गाने है जी, ठीक है ना, मैनू दियोर दे विआह दे विच नच लैण दे। पुरानी गायक रहे हैं सुरिंदर कौर, बहुत ही बेहतरीन गायिका रहे हैं साडे पंजाब दे। वो कंपोज द सोंग पगड़ी संभाल जट्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर से देखने को मिलता है। एक गाना है जी, कविता रही है असल च, पगड़ी संभाल जट्टा, किन्ने लिखी है जी, ये बांके दयाल दी लिखी है जी, ठीक है ना, बांके दयाल। विच ईयर ड्यूरिंग द दलीप सिंह अंपायर द ट्रिटी ऑफ लाहौर वाज साइन। देखो जी, ट्रिटी ऑफ लाहौर हुई है जी जदों दलीप सिंह नूं गद्दियों ला के पंजाब नूं जो है एनैक्स कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा, वो कदों हुई है, सीधी जी गल है जी 1849 च हुई है जी, ठीक है ना, 29 मार्च का दिन रहा, वो बड़ा ही अशुभ दिन रहा साढ़े वास्ते। तो रणजीत सिंह की मौत तो 10 साल बाद पंजाब उन्होंने एनैक्स कर लिया। वो वाज द फर्स्ट फीमेल पंजाबी राइटर जिन्होंने साहित्य अकैडमी पुरस्कार मिला। देखो अमृता प्रीतम है जो फर्स्ट फीमेल पंजाबी राइटर, आ जाए तो कवित्री आ जाए, नावलिस्ट आ जाए, तो अमृता प्रीतम लिखना, ठीक है, अमृता प्रीतम। द लास्ट क्वेश्चन इज, महाराजा रणजीत सिंह वाज क्राउंड इन अ ईयर। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप न राज तिलक कदों किया, कदों महाराजा की उपाधि दी, 12 मिसलों अंडर करके 1801 की गल है जी। 1801 उन्होंने लाहौर अपनी कैपिटल दे विच अपने आप नूं राज तिलक करवाया, और राज तिलक करने वाले व्यक्ति का नाम है सैप सिंह बेदी, ठीक है। होप सो कि समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन,
और अगर लगता है कि एफर्ट ठीक है तो प्लीज साथ दो, फिर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।